पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की याद में जितेंद्र हुड्डा और उपजीता द्वारा लगाए जा रहे आई कैंप की कड़ी में आज धनाना गांव में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से आई टीम ने ब्लड शुगर बीपी सहित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जरूरतमंदों को मुफ्त में चश्मे भी वितरित किए गए व जिन मरीजों में मोतियाबिंद आदि की समस्या पाई गई उनका बाद में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। आज के कैंप के दौरान 420 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और इनमें से 40 लोगों के ऑपरेशन किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान जीता हुड्डा ने जगतमोहन न्यूज से बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा ने जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रोदा हलके में विकास कार्य किए उसको याद कर धनाना गांव के लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मेरी दादी और पिताजी का धनाना गांव से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने कहा कि उनको प्रोदा हलके में 5 साल काम करने का मौका मिला था, तब यहाँ ना बिजली थी ना गलियाँ बनी थी और ना कोई अस्पताल का सिस्टम था। यहाँ आकर हमने काफी सुधार किया। देखो सबसे पहले तो मैं जगत महान का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। रही समाज सेवा की बात, ये समाज सेवा में हमारे पिताजी भी करते रहे हैं, हमारी दादी जी भी करती रही हैं, उनके दिखाए हुए रस्तों पर हम चल रहे हैं। और जो यहाँ आँखें बनवाने का काम है ये मेरे पिताजी की याद में, मेरे पिताजी से यहाँ के लोग धनाना गांव के लोग बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही मोहब्बत करते थे। और आज भी जैसे मैं धनाना गांव में आया तो मेरे पिताजी को याद करके लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, उनकी याद में लोगों की सेवा करने का काम। देखो हमारे को 5 साल विकास के कार्य करने का मौका मिला था बरौदा हल्का में, जब हम आए यहाँ हर गाँव में ना तो कोई गली थी ना बिजली थी और ना पीने का पानी था ना कोई अस्पताल की सिस्टम था। यहाँ आने पर हमने काफी सुधार किया, 5 साल का बहुत कम समय रहा। अगर अब फिर हमारे को मौका मिला तो बरौदा हल्का को इस तरह विकसित करते हैं जिस तरह शहर विकसित होता है। नाना बरौदा में इधर जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने पाइपलाइन डाल के जो है यहाँ समाधान करवाया, आप क्या कहेंगे? देखो रे नाना बरौदा धनाना बनवासा इन गाँव में पानी की स्थिति रहती है। और हाँ बीजेपी सरकार ने कुछ पाइप दबवाए हैं, जो काम किया है उसकी यहाँ भरनी चाहिए, जो नहीं किया उसकी यहाँ नहीं भरनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमें बीजेपी के धन्यवाद के पात्र हैं। और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आती है तो ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बरौदा बनवासा क्षेत्र में जलभराव की समस्या रहती थी जिसमें कुछ हमारी तरफ से प्रयास किए गए और कुछ भाजपा ने पाइप दबवाए हैं, अगर हमें फिर से मौका मिला तो ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरौदा बनवासा के जलभराव की समस्या के समाधान के लिए उनके पिता श्री कृष्ण हुड्डा ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाया था। देखो बीजेपी की और कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है, अब एक तरफा कांग्रेस सरकार है और लोग मन मना चुके हैं कि सभी ने 36 बरादरी के लोग कांग्रेस की वोट देने के लिए तैयार हैं। हुड्डा और जगबीर मलिक ने उठाया था, मेरे पिताजी श्री कृष्ण हुड्डा और जगबीर मलिक ने जब ये मुद्दा उठाया उसके बाद विधानसभा में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने यहाँ का सर्वे किया था मेरे पिताजी की डिमांड पर और उस सर्वे के हिसाब से ये पाइप दबाई गई थी। बहुत थोड़ा समय बचा है, आप बरौदा हल्का की जनता को क्या कहेंगे कांग्रेस को? मैं तो बरौदा हल्का की जनता को एक ही बात कहूंगा कि ठग चोर और बेईमान को वोट ना दे करके एक साफ ईमानदार और अच्छे आदमी को विधायक बनाए, चाहे वो कोई भी हो, ठग को और चोर को और झूठे आदमियों को विधायक ना बनाए। कितनी उम्मीद करें कि आपके पिताजी ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की थी अगर आपको मौका मिलता तो आप भी उसी तरीके से लोगों के बीच में रह के सेवा करेंगे? देखो मेरे पिताजी ने जो सेवा करी, जब मेरे पिताजी सेवा करते थे तो 7 लग करके हम भी सेवा करते थे, और अगर अब मौका मिला तो मेरे पिताजी ने जो सेवा करी थी उससे 21 सेवा करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान धनाना के पूर्व सरपंच ने कहा कि जीता हुड्डा ने गांव में कैंप लगाकर अच्छा काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गांव ने अच्छी वोट दी लेकिन मौजूदा विधायक ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। भाई साहब पहले तो मैं इन भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, हमारे गाँव में आकर इन्हें हमारी जन सेवा की है, जो इनका बहुत बहुत जो हमारे ताऊ जी थे कृष्ण हुड्डा जी थे वे भी बहुत ही बढ़िया हमारे लिए, तो बरौदा हल्का में उसने बहुत ज़्यादा विकास किए थे और उसी ने जो पाइपलाइन को दे मंजूरी ला ले, वो मरने के बाद वो प्रस्ताव डल रहा था ये कर अपने
जगबीर मल्लिकर इनने हमारा प्रस्ताव पास कराया था हमारे नाम से, अप्लीकेशन डाली थी विधानसभा में, उन्हें मुद्दा ठुआया हमारा। तो मतलब जहाँ तक इसमें भी कुछ भागीदारी इन्हीं की थी, और फिर वे सौरभ सुधार के लाले भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इन वर्ग आदमी नहीं था भाई। हमारे पहले कोई विकास नहीं था गाँव में, इनके आने के बाद श्री कृष्ण के बहुत विकास हुआ। हरी भी जैसे हमारे विधायक साहब बन रहे हैं, कांग पार्टी के हैं, हम दो पार्टी हैं, ये भी हमारे साथ हैं। जो बालू जी बन रहे हैं वो भी कोई से बढ़िया आदमी नहीं से, हमारे दाऊ गुमांड गए हैं, पार्षद बनाया हमने, दनाणा ने पार्षद बनाया था, सारा तो हरदा रहा था पार्षद, जब और दनाणा में आकर उसकी लीड भी हुई और मतलब वो पार्षद भी बनया। अरे वो अड़ा बात नहीं करता, आओ हर जन ऊपर वो काम कर रहा हो तो ये रमेश कौशिक धान जो करे अगवा दाम मरने के वोट दो हो, अब वोट तो दाम उठना है मोदी ने दो, वो यू कर जानू हम दीपेंद्र ने वोट दें मन दिन दे ना। तो अब के बार हम बढ़िया आदमी ने लिया छाट के लिया किसे ने लिया, हम तो गेल वोट तो हमने देनी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुंडा, वोट कांग्रेस की देनी है, लेकिन सीट इतनी आसान नहीं है, वह लकड़ेंगी। मतलब सोच विचार का पार्टी अपना काम करे। खड़तल कोई भी हम दो बात हो स्पष्ट नहीं, ये अपनी थोड़ी ठीक से भैया, हम अपनी थोड़ा हाँ यू काम ना करेगा, यू कि मैं कहेगा तो यू भी ठीक को नहीं आए, इन्हें परखाएंगे जब भाई पहले तो इसका पिताजी पर क्या हमने दो वो ठीक था, उन्हें काम करे हैं, लेकिन जब यू आओगा तो इसने परख लेंगे ठीक होगा तो इन्हें ठीक बतावाए। ये फिलहाल तो हमने ठीक दिख रहा है, वो अपने कमें भी काम हुआ सेवा कर रहा है, यू कर दिया। अरे भाई वोट भी से गाँव दनाणा में वोट भी हैं, नहीं कहते हल्का काम नहीं मेरा, गाँव दनाणा में इसकी वोट बहुत से। बालू का टाइम में यहाँ कांग्रेस हार कर निकली थी, अरे बीजेपी में ही मतलब अपना जो यू है इसमें जीती है, अरे चेंज होगा तो और बढ़िया जीत होगी यहाँ से। इस दौरान वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि जीता हुड्डा द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। जी सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे, आज जीता हुड्डा ने आपके गांव में आंखों का कैंप लगाया है। पहले तो जी आपके चैनल वाले को नमस्कार जी, सभी को धन्यवाद। और दूसरी बात यह जी जीता हुड्डा है जो हमारे कृष्ण हुड्डा जी दे, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं हल्का में, और ये भी जीता भाई साहब भी बार बार कहीं कैंप लगाते हैं, कहीं रक्तदान शिविर लगाते हैं, बहुत ही सराहनीय काम करते हैं जी, और इन की छवि भी बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। और जिस तरह पानी की थी डूबा का काम था, उड़ा भी मदद करी थी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 100% जाएंगे जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा अनिल नाम है जी, प्रतिनिधि हो जी। हाँ जी, इस दौरान अन्य लोगों ने भी जगत महान न्यूज से बात करते हुए जीता हुड्डा की तारीफ को। बीजेपी इस साल जीती थी और ये एमपी का इलेक्शन में कांग्रेस को जिताया है, और ये हमारे ताऊ जी तो जीते ही जीते करते, दो बार हारने दिया हमने काम में। हाँ हाँ, उसके लिए भी तैयार हम। आप क्या सोचते हो? हम जी कृष्ण हुड्डा के साथ है, गिल्ला उसके गिल्ला हम लोग खुद कृष्ण के परिवार ने साथ दी, कृष्ण के परिवार ने कांग्रेस के साथ हो, कांग्रेस के साथ हैं जी, कृष्ण हुड्डा के साथ हैं जी। आप क्या कृष्ण हुड्डा छाती ठोक के क्या कारण काम किए हैं? हमने काम काम के प्यारे हैं, काम के प्यारे नहीं हैं, उसने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, उन्हें कोई रोजगार बेरोजगार नहीं रहा हमारे गांव में, बहुत नौकरियां दी। जैसे बीजेपी सरकार में एमपी कोटे ग्रांट सांगवान लगाया करता ना, नो मारे ये बुढ़न लाई थी बुढ़ा साहब ने, नो मान लेते ला ले या कृष्ण हुड्डा ला ले, जितनी भी गली बनी है ना तो बहुत इससे पहले बनी नहीं, और आने वाले टाइम में नहीं बनेगी, तो ये नहीं आए तो आने वाले टाइम में नहीं बनेगी। कोई भेदभाव नहीं था इस सरकार में, तो भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं। हम जी पहले में जे जी पी की वोट गिरे यार दी, पर उनकी कोई काम नहीं गिरा ना काम का, हमने नरम आदमी लागे भाई साहब, हम कांग्रेस के गेल कल भी पूरे गेल थे, अरे बागज माँ सब कह रहे थे गेल रहेंगे, हमने देख लिया दूसरी पार्टी ना बीजेपी कुछ ना जे जे पी, कांग्रेस बहुत बढ़िया पार्टी है, अरे कल ले आवेंगे और इसकी सरकार बनेगी। नहीं जेजेपी में हम नहीं, हम तो सिर्फ कांग्रेस की है। हाँ कांग्रेस में शामिल हो गए हम तो, पांच इलेक्शन तरीबी भी इससे वहाँ, और बहुत बड़ी मार दो पानी मार डूब जा रहे सारे खेत फसल ने, गेहूं कुछ नहीं हो रहा, तरीब सारा सौदा या लैंड का काम चल रहा है, पानी कम से ढगा कड़ है,
बस थोड़ा पानी के पीने की थोड़ी समस्या रह रही है, वो अभी भाई साहब तक बताई हमने, देखो के रहेगा थोड़ा भगवाए है, और तो बहुत बढ़िया काम है, मतलब तन मन धन और सब क्या कांग्रेस का गेल है।